बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर दिल आवेज़। आज आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशंस का लेक्चर नंबर 5 ऑफ वीक 1। जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया। अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया की तीन टाइप्स हम डिस्कस करेंगे आज, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। अनगाइडेड मीडिया होता क्या है? इट रेफर्स टू दोज चैनल्स दैट ट्रांसमिट डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये इस किस्म का एक मीडिया होता है जो कि डेटा को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह यूजिंग वेव्स। इन दीज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इंस्टेड ऑफ केबल। यानी कि गाइडेड मीडिया में हमने पढ़ा था कि जो डेटा होता है वो केबल्स की फॉर्म में होता है, फिजिकल मीडिया उसमें यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा मीडिया यूज़ करना है? आपने वायरलेस मीडिया यूज़ करना है, यानी कि वेव्स की फॉर्म में आपका डेटा की ट्रांसफर, आपका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। देर इज़ नो फिजिकल पाथ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। यहाँ पर कोई भी फिजिकल चीज़ यूज़ नहीं होती, बल्कि आप जो है वो वेव और स्पेस यूज़ करते हो। डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट बाउंडेड टू केबलिंग मीडिया, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया। इसको अनबाउंडेड मीडिया क्यों कहा जाता है? जैसे कि गाइडेड मीडिया जो था वहाँ पर आपको एक जो है वो डेटा को लिमिटाइज कर दिया जाता था, वो एक स्पेसिफिक पाथ होता था, केबल जो है वो केबल तक वो डेटा जो है वो लिमिटाइज कर दिया जाता था, महदूद होता था और उसको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर आपका डेटा जो है वो अनगाइडेड या अनबाउंडेड है, क्योंकि आपके जो है वो सिग्नल्स एक केबल तक महदूद नहीं है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव्स के बारे में। माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं दैट कैन ओनली बी ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। माइक्रोवेव्स हमारे पास एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे जो है वो मूव करती हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये अर्थ एंड दिस, यहाँ पर जो है हमारे पास तीन तरह के ये स्टेशंस मौजूद हैं। एक नंबर वन स्टेशन, नंबर टू स्टेशन एंड नंबर थ्री स्टेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइक्रोवेव जो है वो ट्रेवल कर रही हैं और माइक्रोवेव्स की मदद से आपका डेटा जो है सेंड और रिसीव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक स्टेशन है और ये दूसरा स्टेशन है और अब जो है वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। दीज आर द कम्युनिकेशन मीडिया इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इंस्टेड ऑफ केबल्स। माइक्रोवेव्स जो हैं उनमें डेटा जो है वो, अगर आप माइक्रोवेव्स के से डेटा सेंड करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ वेव डेटा सेंड होगा। ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं जो कि ट्रैवल एक स्ट्रेट लाइन में ही कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये वेव्स जो है ये बेंड नहीं हो सकती, बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ इनका होगा जिसमें ये मूव करेंगी। दीज वेव्स कैन नॉट बेंड और पास थ्रू ऑब्स्टेकल्स, यानी कि दरमियान में अगर कोई पहाड़ आ जाता है, कोई बिल्डिंग आ जाती है तो वहाँ पर ये सिग्नल जो है आपके आगे मूव नहीं कर सकते। इट इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सिटी और कंट्री, यानी कि आप जो है वो इसका माइक्रोवेव्स के ज़रिए डेटा एक सिटी या एक कंट्री तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। वी हैव टू प्लेस द टावर आफ्टर एवरी 20 to 30 miles, हर 20 या 30 मील के बाद आपको एक और स्टेशन जो है वो आपको यूज़ करना पड़ता है। द ट्रांसमीटर और रिसीवर आर माउंटेड ऑन एवरी हाई टावर शुड इन अ लाइन ऑफ साइट, यानी कि आपका जो एक ट्रांसमीटर है जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है और एक रिसीवर है जो डेटा को रिसीव कर रहा है, ये दोनों जो है वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हूँ। दरमियान में कोई भी माउंटेन वगैरह या कोई भी बिल्डिंग, ऐसी हाई बिल्डिंग ना हो जिस, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल आ जाता है और उसकी वजह से आपका डेटा जो है वो दरमियान में ही रुक जाता है, आगे मूव नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो है वो सिग्नल्स ना तो बेंड हो सकते हैं ना आगे ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, बल्कि बिल्कुल एक लाइन में मूव करते हैं। तो दरमियान में अगर एक कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है तो आपका डेटा मूव नहीं होता। दिस मे नॉट बी पॉसिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज सिग्नल्स बिकम वीकर एंड रिक्वायर पावर एंड एम्प्लीफिकेशन। आपका सिग्नल जो है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक जो है वो उसकी स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन जो जो उसका जो एक डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता जाता है तो आपका सिग्नल वीक होता जाता है। उसके लिए हम फिर बूस्टर्स या फिर रिपीटर्स यूज़ करते हैं।
ताकि हम लोग उस उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकें, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें और हमारे सिग्नल्स जो हैं वो वीक ना हो। अगर हमारे सिग्नल्स वीक हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा डेटा सेंड और रिसीव नहीं होगा, सिग्नल्स लॉस्ट हो जाएंगे तो हमारा डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। इस वजह से जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा को ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है वो बूस्टर्स या रिपीटर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। रिपीटर्स और एंटीनाज आर यूज एट हाई टावर टू बूस्ट द सिग्नल्स टू ओवरकम देयर वीकनेस। सिग्नल्स आपके डिस्टेंस की वजह से वीक हो जाते हैं तो हम वहाँ पर रिपीटर्स लगाते हैं ताकि हमारे सिग्नल्स को स्ट्रेंथ मिले और हमारा डेटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो सके। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन मीडिया, दैट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर हमारे पास दो तरह के अर्थ स्टेशन हैं और ये फिर स्पेस स्टेशन है, यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास सैटेलाइट मौजूद है। और सैटेलाइट क्या कर रही है कि यहाँ से अर्थ स्टेशन से डेटा को रिसीव कर रही है और यहाँ पे फिर जो है क्या कर रही है कि सिग्नल्स को प्रोसेस करके तो फिर दोबारा से अर्थ डिफरेंट अर्थ स्टेशन पर जो है वो भेज रही है। जो हमारे पास सैटेलाइट्स होती हैं, द मेन प्रॉब्लम विथ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज दैट माउंटेन एंड अदर स्ट्रक्चर कैन ब्लॉक द लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन यूज़ करती हैं, उनके दरमियान में आपको कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई माउंटेन, कोई बिल्डिंग नहीं आना चाहिए। अगर वो चीज़ आ जाती है तो आपके सिग्नल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस वजह से हम जो है इन एंटीनास की बजाय हम लोग सैटेलाइट को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा सकें। सैटेलाइट रोटेट्स अप्रोक्सीमेटली 22,300 माइल्स अबव द अर्थ इन देयर इन द प्रिसाइज लोकेशन। अब सैटेलाइट्स क्या करती हैं, 22,300 माइल्स अबव जो है वो स्पेस के अंदर अर्थ से जो है इनका फासला होता है 22,300, और यहाँ से जो है वो सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़ी जाती हैं और स्पेस में एक मखसूस मदार होता है, एक ऑर्बिट होता है जिसके गिर्द ये मूव कर रही होती है, मखसूस उनको जगह दी जाती है, वहाँ पे ये जो है सैटेलाइट्स मूव करती रहती हैं। अब सैटेलाइट्स डिफरेंट तरह की होती हैं, कुछ जो है उनका फासला थोड़ा कम होता है ज़मीन से, कुछ जो होती हैं उनका दरमियाना फासला होता है, कुछ बहुत ज़्यादा हाई जो है वो आपके ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जैसा कि आपकी ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम है GPS, उसके लिए आपके जो है सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर जो है वो ज़मीन से उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और वो मूव कर रही होती हैं और वो फिर डेटा प्रोसेस करके आपके अर्थ स्टेशन पर भेजती हैं और आपको GPS जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हैं। सैटेलाइट ट्रांसमिशन स्टेशन कैन बोथ सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स और मैसेजेस आर नोन एज अर्थ स्टेशन। हम ज़मीन में जो भी स्टेशन होते हैं जिनकी मदद से हम सैटेलाइट तक डेटा पहुंचाते हैं उन्हें अर्थ स्टेशन कहते हैं। द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक एंड द ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक। यानी कि जब हम ज़मीन पे जो हमारा स्टेशन अर्थ स्टेशन होता है, अर्थ स्टेशन होता है, वहाँ से जब हम सैटेलाइट तक डेटा जो पहुँचाते हैं उसे हम अपलिंक कहते हैं, और जो आपकी ट्रांसमिशन सैटेलाइट से ज़मीन तक आती है दैट इज़ कॉल्ड डाउनलिंक। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन कॉस्ट आर इनडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि अब आप सैटेलाइट के ज़रिए बेशक दो करीबी स्टेशन हों, बिल्कुल आपका फासला बिल्कुल कम हो, वहाँ तक अगर डेटा पहुँचाना हो या बहुत दूर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने सैटेलाइट की मदद से डेटा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक डेटा पहुँचाना हो तो उसकी जो है वो कॉस्ट सेम होती है। यानी कि डिस्टेंस से आपकी कॉस्ट जो है वो इनडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। आपका वो स्टेशन बेशक करीब हो आपके अर्थ स्टेशन से या बहुत ज़्यादा दूर हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी हो सकता है, उसकी जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो सेम होती है। डिफरेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज टू कैरी डिफरेंट इंफॉर्मेशन। टेलीफोन कॉल्स, टीवी चैनल्स, इंटरनेट, वेदर स्टेशन और रेडियो स्टेशन आर यूजिंग सैटेलाइट फॉर ब्रॉडकास्टिंग। टेलीफोन कॉल्स वगैरह के लिए टीवी चैनल्स जो आपके टेलीविजन में डिफरेंट चैनल्स आपके
आते हैं वो सेटेलाइट की मदद क्या मदद से आते हैं, इंटरनेट की मदद से आप डेटा जो है वो सेंड और रिसीव सेटेलाइट की मदद से करते हैं इंटरनेट का डेटा। इसी तरह वेदर स्टेशंस यानी कि जो आपको वेदर फोरकास्टिंग की सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी सेटेलाइट की मदद से होती है। इसी तरह रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है। ये सारी की सारी जो आपके डेटा सेंड एंड रिसीव होता है वो सेटेलाइट की मदद से आपका ब्रॉडकास्ट होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो बैड वेदर होता है वो सीवियरली इफेक्ट कर जाता है आपकी क्वालिटी को, क्योंकि आपका जो सैटेलाइट की मदद से डेटा होता है वो वेव्स की फॉर्म में होता है और वेव्स बिल्कुल ओपन एरिया में होती हैं, और जब भी कोई बैड वेदर होता है तो आपके सिग्नल जो है वो आपके वीक हो जाते हैं, आपके सिग्नल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, आपका जो डेटा वो लॉस्ट हो सकता है या फिर आप तक सही तरह नहीं पहुँच पाता। सैटेलाइट ट्रांसमिशन कॉजेज सिक्योरिटी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ईजी टू इंटरसेप्ट द ट्रांसमिशन ट्रेवल थ्रू द एयर। यानी यहाँ पे वही बात है कि आपका जो डेटा होता है एयर में होता है और जो इंट्रूडर्स होते हैं वो आपका डेटा जो है वो आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसमें आपका डेटा हैकिंग का के चांसेस होते हैं और ये जो है लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वेरी हाई क्योंकि इसका जो है बहुत ज़्यादा वाइड एरिया पे ये फैला होता है और इसका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। हम जब पहुँचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह सेटेलाइट की मदद से डेटा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, इसलिए ये कॉस्टली होता है ट्रांसमिशन मीडिया। देन लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक रेडियो बेस्ड नेटवर्क होता है जिसमें हम रेडियो वेव्स की मदद से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आप दो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनमें आप डेटा ट्रैवल करवाते हैं या मैसेज सेंड करते हैं या कॉल्स वगैरह करते हैं, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक जो आपका डेटा आ रहा होता है वो रेडियो वेव्स की मदद से आ रहा होता है। उसमें ये होता है कि आपके दरमियान में अगर वॉल आ जाए, कोई बिल्डिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपका जो सिग्नल्स होते हैं वो रेडियो वेव्स की मदद से आपकी दूसरी डिवाइस तक आ जाते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होती है? इट इज़ अ रेडियो बेस्ड नेटवर्क दैट ट्रांसमिट डेटा टू एंड फ्रॉम द मोबाइल कंप्यूटर्स, सच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स दैट यू कैन यूज़ ड्यूरिंग मूवमेंट। आप मोबाइल कंप्यूटर्स यानी कि जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस जो हैं आप ड्यूरिंग मूवमेंट आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो रेडियो बेस्ड होती है यानी कि रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए। कंप्यूटर्स थ्रू द नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड थ्रू वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन पॉइंट। यानी कि अब आपके दो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक वायर्ड तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं और आप वायरलेस तरीके से भी डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। तो जब वायरलेस तरीके से आप डेटा को सेंड एंड रिसीव करते हैं तो वो आपका थ्रू रेडियो वेव्स होता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अभी आपने होमवर्क ये करना है कि आपने कल एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था जो कि गाइडेड मीडिया से रिलेटेड था, और अभी आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो कि आपने अनगाइडेड मीडिया का करना है। ट्रांसमिशन मीडिया, वट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया, वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया कौन कौन से हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स को आपने डिटेल में करना है, और साथ आपने इनकी डायग्राम्स भी बनानी है। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स बुक से भी आप स्लाइड से भी आपको सारे का सारा डेटा मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन का। इसके साथ साथ आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। थर्ड चैप्टर जो है उसका लास्ट क्वेश्चन ये बनता है और वहाँ से भी आप जो है ये वाला अनगाइडेड मीडिया वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।